चाचा चौधरी। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री उमाशंकर राय की कार विस्फोट में मौत हुई है। दोपहर 12:30 बजे यह हादसा हुआ। वे अपने कार से स्टूडियो जा रहे थे। इसी तरह की ये पांचवी घटना है जहां कार के विस्फोट होकर किसी नामचीन हस्ती की मौत हुई है। अब तक पुलिस किसी भी हत्या का सुराग ढूंढ नहीं पाई है। नमस्कार। अरे आई 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 वेटमैन आइए, बस आप ही का इंतजार था, काम तमाम। बड़ी मछली से छुटकारा कब मिलेगा? बहुत ही जल्द। वैसे हमने जाल बिछा के रखा है, बहुत ही जल्द वो हमारे जहाज पे आ जाए। ऐसा ना हो मछली जहाज को निगल ले। बड़ी मछली कोई मजाक नहीं, समझ लो शार्क है शार्क। बस उसका सिर्फ एक दांत मिल जाए, काम तमाम। दांत? तुम्हें समझाता हूँ। सक्सेना जी, आपकी एक गलती हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसका अंदाजा भी है आपको? बाबूजी, मैं आपका सेवक हूं, आपका चहेता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मेरे कान खींच लीजिए। मैं कान नहीं खींचूंगा, उपमंत्री की चेयर खींच लूंगा। वहां बॉर्डर पर जवान लोग हमारे भरोसे लड़ते हैं, पर तुम होके बिना देखे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो। बाबूजी, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? डिफेंस के लिए हम जो भी सामान मंगवाते हैं वो कड़ी परीक्षण के बाद ही हम स्वीकार करते हैं। माफ कीजिएगा दुबे जी, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि टैंक्स और जहाजों के सभी कलपुर्जे नकली हैं, एकदम नकली। वोरा जी, आप तो साइंटिस्ट हैं, कई सफल कारनामे हमने आपकी सलाह से किए हैं, आपसे ये गलती हुई कैसे? देखो सक्सेना, गलती तुम्हारी है। वोरा जी ने तो अपना रिपोर्ट दिया था, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, मैं सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देता हूँ, आखिर ये सुरक्षा का सवाल है। देखो सक्सेना, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है, इसके बाद तुम्हें माफ नहीं करूंगा, याद रखना। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ, आपके प्यार ही ने तो मुझे यहाँ तक लाया है। क्या कर रहे हो सक्सेना, उठो, मुझे ये सब पसंद नहीं। बाबूजी, किसी के बहकावे में आकर आप मुझ पे नाराज मत हो जाइए। देखो सक्सेना, अनुभव की कमी की वजह से कभी कभी गलती हो जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम काबिल आदमी हो। बाबूजी, यानी कि आपने मुझे माफ कर दिया। बाबूजी, सक्सेना, सक्सेना। देखो जाओ अपनी कैबिन में जाओ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। और एक बात याद रहे, मेरी अनुमति के बिना आप कोई काम नहीं करोगे तुम। ठीक, जाओ। मगर बाबूजी, अभी जाओ, बाद में विस्तार से बातें करेंगे, हमें किसी का इंतजार है। ठीक है। अरे चाचा जी, आप? अरे सक्सेना साहब, कैसे? ठीक हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते। ओ बोरा साहब भी मौजूद हैं यहीं पर। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, आइए आइए चाचा जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ बताइए, कैसे याद किया आपने? चाचा जी, हमें आपकी सलाह चाहिए। ये देश की सुरक्षा के कुछ कागजात हैं, मतलब वोरा जी का इन्वेंशन है, आप इसे देख जाइए, अगर कोई कमी हो तो हमें ज़रूर बताइए। भाई देश के तो मैं किसी काम आने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन मामला मुझे संगीन लग रहा है। हाँ ये बिल्कुल संगीन है। वोरा जी आपके संपर्क में रहेंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें बताइए, और मैं आपको एक और नंबर देता हूँ। दुबे जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरा मोबाइल अभी तो मेरे पास था, पता नहीं कहाँ गया। अरे तो क्या हुआ, आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। अरे वोरा जी, वैसे तो इतने सारे फोन है यहाँ पर, अगर इनको जो नंबर देना था वो मेरे मोबाइल के अंदर था। तो क्या आपका मोबाइल खो गया है? हाँ लगता है तो ऐसा ही है। क्या बताऊँ चाचा जी, पिछले हफ्ते मेरा भी मोबाइल चोरी हो गया था, फिर पता नहीं अचानक आज कैसे मिल गया। अरे आपकी तो बात ही कुछ और है, आप तो अव्वल दर्जे के भुलक्कड़ हैं जी। मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही था, पता नहीं कहाँ गया। मंत्री जी, अगर आपका मोबाइल खो गया है तो उसकी शिकायत करवा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर होंगे, कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है उसका। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी शिकायत करता हूँ जी। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, ऐसे कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ धंधा मंदा है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा है शहर में आजकल, आराम ही आराम। बोलो, मक्खियाँ मार रहा हूँ। और कुछ नहीं? नहीं नहीं, ताऊजी को बोलो आने के लिए यहाँ पर। क्या बात है? तो अरे देख रहे यार,
घंटों से फोन पे लगे हुए, मेरी बीवी मायके चली गई है और वहां से फोन कर करके थक गई होगी और ये देख ना फोन रखने का नाम ही नहीं लेते। डोंट वरी, हाँ मैं करूंगा। अच्छा अच्छा ओके ठीक। रख दिया। ये बात फोन होगा। साहब मेरी बीवी का फोन होगा, प्लीज मैं देखता हूँ किसकी बीवी का फोन है। हेलो। यस सर, यस सर, मंत्री जी का फोन है, बाहर जाओ, खास बात करनी है मुझसे, बाहर जाओ तुम लोग। चलो यार। सर जी, सर नहीं वो क्या सर, वो सारे इलाके के टेलीफोन, पुलिस स्टेशन के खास करके टेलीफोन एंगेज रहते हैं ना सर। हाँ जी, सॉरी सर, मैं बताइए जी, आपका मोबाइल फोन खो गया? कोई फिक्र नहीं सर, मैं ढूंढ निकालूंगा और अगर नहीं मिला तो मेरा मोबाइल फोन दे दूंगा ना आपको सर। कोई जी सर, नहीं सर, सर मैं कंप्लेंट दर्ज कराता हूँ सर। ये सर ये बिल्कुल चुपचाप कंप्लेंट दर्ज कराता हूँ जी, डोंट वरी सर। तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। वाह गिरे भाई, क्या दिमाग पाया यार। चलो फिर आज। छोटी मछली फंस गई है, बहुत ही जल्द तुम तक खबर आ जाएगी। क्या बड़ी मछली? उसके लिए तो हमने जाल बिछाया है। सुनो, हमारा निशाना आज तक कभी खाली नहीं गया। ओवर। जो जो। यस सर। काम करो। अच्छा। अरे यहाँ पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ। इस बक्से को उसके मालिक तक पहुंचा दो। यस सर। मगर सर, नो डिस्कशन, गो मिस गो। यस। तो मेरा मोबाइल फोन कहाँ चला गया? यही तो था, इसमें नहीं। कहाँ पर होगा ये? मेरा मोबाइल फोन कहाँ गया है? अरे मरा गिरे सोप सिंह, यहाँ आ जाओ जल्दी। यस सर। मेरा मोबाइल फोन कहाँ चला गया? सर आपको पता क्यों नहीं गया? अबे गधे, मेरा फोन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। सर आप ही के पास है सर। लेकिन अब मेरे पास नहीं है इसीलिए ढूंढ रहा हूँ ना मैं। सर फोन पे तो हमेशा आप ही बात करते हैं ना? हाँ हमेशा करता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास फोन नहीं है। मेरा फोन मेरे आंखों के सामने किसी ने चुरा है, ये किसकी मजाल है? अच्छा बाबा जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, ड्यूटी कैसी है तुम्हें मालूम है ना? हाँ बाबा जाएंगे ना, डोंट वरी, मुझे भरोसा है ना, हो जाएगा डार्लिंग। सर आपको तुरंत पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। राइट, पुलिस कंप्लेन करनी। अबे गधो, हम ही पुलिस है, हम कहाँ जाके पुलिस कंप्लेन करेंगे? सर किसी अच्छे से पुलिस थाने में रख के दूंगा। ढूंढो मेरा फोन, ढूंढो, चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन मेरा फोन ढूंढ के निकालो। कैसे लोग भरे इस पुलिस थाने। कौन है? विस्फोट होने वाला है, एक मिनट, कहां पर? हम आते हैं, वहां आते हैं, रुक जाओ, होल्ड करो विस्फोट को। अरे तोप सिंह। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सीनियर सठिया गया है बुड्ढा। बताओ जाएंगे बाबा पिक्चर को जाएंगे। कौन सी पिक्चर? चोर पुलिस में। पैसे किसको देने हैं? ब्लैक वाले तो अपने ही सब। अरे तोप सिंह मरा गिरे। देखो डाली साहब बुला रहे, जरा होल्ड करना, देखता हूँ क्या बात है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ सर? गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। सर आपके मोबाइल मिल गई? अरे मोबाइल नहीं मिला, सवाल मत पूछो, गड़बड़ है। गाड़ी निकालो, हमें तुरंत जाना पड़ेगा वहां पर। चलो मेरे, चलो चलो चलो। हेलो डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो क्या सर के साथ जरा इमरजेंसी के लिए जा रहा हूँ। कट मत करो, होल्ड करो, सर का फोन है, बिंदास। आपने वो फाइल देखी? क्या रहा है आपकी? हाँ देख तो ली, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये जो पार्ट टू प्लान का जिक्र किया है आपने, इस बारे में मुझे ज़रा विस्तृत जानकारी चाहिए। देखिए चाचा जी, फिलहाल तो मैं लैब जा रहा था, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस फ़ोन किए देता हूँ, वहाँ से मेरा आदमी आपको सारी जानकारी भिजवा देगा। ठीक है, और कैसे हैं आप? बस चाचा जी हमेशा की तरह। हाँ जल्दी ही मिलते हैं। हाँ हाँ, फुर्सत में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके शुक्रिया।
अभी अभी पता चला है कि रक्षा मामलों के जानकार और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आरजे वोरा की कार विस्फोट में मौत हुई है। वोरा जी अपनी कार से लेबोरेटरी जा रहे थे, मगर अचानक उनकी कार से विस्फोट हुआ। इसी तरह की ये छठवीं घटना है। इससे पहले भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। वोरा जी की अचानक मृत्यु से राष्ट्रपति और पंत प्रधान जी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बताया जाता है कि इस घटना के पीछे विदेशी ताकत का हाथ है। भगवान, ये क्या मुसीबत है? मैं परेशान हूँ चाचा जी, मैं परेशान हो गया हूँ। चारों तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। न्यूज चैनल और अखबार तो आप देख ही रहे हैं, ऊपर से पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है, अब CBI जांच के लिए डिमांड हो रही है। कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मारू सिंह जी, वोरा जी की मौत से देश को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। एक ही तरह की ये छठवीं घटना है। बात तो जाहिर है, इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ है, लेकिन कोई भी आतंकवादी संगठन जिम्मा नहीं उठा रही है और सुराग भी नहीं कोई मिल रहा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये बम पहुंचा कैसे? चाचा जी, वोरा जी के सुरक्षा वालों का कहना है कि उन्होंने उनकी कार की पूरी तरह जांच की थी, उसके बावजूद थोड़ी देर में कार के अंदर ही विस्फोट हो गया। उनकी मौत से पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी। आवाज से तो यूं लग रहा था कि वो अपनी कार में बैठे हुए और मोबाइल से मुझसे बात कर रहे हैं। मोबाइल? हाँ। मेरा मोबाइल भी खो गया है। मौत से पहले उनका भी मोबाइल खो गया था क्या? नहीं, ये शनि की दशा है, मैं कह रहा हूँ चाचा जी, शनि की दशा है, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरा मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन मौत से पहले उनका भी मोबाइल मिल गया था। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप घबराइए नहीं, महत्वपूर्ण लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ तो ठीक है, मैं मतलब नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। आप एक काम करिए, जिन लोगों की मौत हो गई है उनके घर के नंबर और मोबाइल नंबर आप किसी तरह पता करके मुझे दे दीजिए। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बस आप इतना ही करिए। मैं तो पूर्ण लोग जो मारे गए उसका मतलब मैं बच गया। चाचा जी, ये रहे सारे मोबाइल के बिल। मिल गए, लाओ देखो। अरे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। हेलो, कौन? आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। मंत्री जी? हाँ हाँ, बोलिए। हैं? अरे लगता कट गया। कहीं उनका मोबाइल वापस तो नहीं मिल गया? ये तो अनर्थ हो जाएगा। बारू सिंह? हाँ चाची जी, मैं बारू सिंह बोल रहा हूँ। बारू सिंह सुनो, मंत्री जी का पता लगाओ, वो कहाँ है। हाँ, और उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करो, उनकी जान खतरे में है। क्या कह रहे हैं आप? शायद उनका मोबाइल मिल गया है। मतलब? ओहो, अब ये सब मैं बाद में समझाऊंगा, मैं वहीं आता हूँ। जी हाँ, हम भी आते हैं। तोप सिंह मरा, गिरे, जल्दी चलो। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है, ये क्या तामझाम है? मंत्री जी, सुना है आपने नया मोबाइल खरीदा है। नहीं चाचा जी, ये कल कपड़ों के साथ चला गया था, आज सुबह धोबी वापस लेके आया।
ये क्या नाटक है? हमें क्यों रोका है? मिनिस्टरों को रोकते हो? अरे भाई, मंत्री जी की जान को खतरा है। क्या ये बीच रास्ते में कैसा मजाक? एक मिनट सक्सेना, एक मिनट। क्या बात है चाचा जी? मंत्री जी, जब से ये मोबाइल मिला है आपने इसमें कितने फोन किए? मोबाइल के बाद एक घर पे किया, एक होम मिनिस्ट्री पे किया, एक डिफेंस पे, कुल 6 फोन हुए। अगर सातवां करते तो जरूर इसमें विस्फोट होता। विस्फोट क्या मतलब? जैसे बौरा जी और बाकी लोगों के साथ हुआ, उनके मोबाइल गुम होने के बाद वापस भी मिले थे। ये क्या मूर्खता है? हमारा उससे क्या संबंध? इस मोबाइल में बम फिट है। बम? मंत्री जी, मोबाइल के जरिए ही सारी हत्याएं हुई हैं। आप बात का बतंगड़ बना रहे हो। सक्सेना, सातवां फोन आप लगाएंगे। मैं नहीं करूंगा। आपको लगाना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। सक्सेना फोन लगा। बाबूजी, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं फोन नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई बाबूजी, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? मंत्री जी, इस षड्यंत्र में ये सक्सेना भी शामिल है। आपका मोबाइल इसी ने चुराया था। सक्सेना तुम भी? मुझे माफ कर दो चाचा जी, ये राजनीति कितनी गंदी हो गई है। बारूद सिंह सर, इस षड्यंत्र की तहकीकात करो और जो भी मुजरिम है उसे बख्शा ना जाए। यस सर। गिरफ्तार करो इसे। सर लेकिन मेरा मोबाइल भी खो गया है सर। शट अप और गिरफ्तार करो इसे। तोप सिंह अंडरस्टैंड, गिरफ्तार करो इसे। यस सर। ए क्या कर रहे हो बाबूजी? कम से कम कमिश्नर से तो मुझे गिरफ्तार। शट अप। आइए चाचा जी, आप मेरे रक्षा मंत्री निकले, आज आपने फिर मेरी जान बचाई, लेकिन इस सबका राज क्या है? मंत्री जी, वही फाइल, वही बोरा जी का बताया सुरक्षा प्लान। इसका मतलब बोरा जी भी षड्यंत्र पे बलि चढ़ गए? हाँ, लेकिन हमें उनका सपना पूरा करना है। हाँ, मैं भी वचनबद्ध हूँ। खबरदार, हिलने की कोशिश की तो पुलिस से उड़ा दूंगा। क्या बदतमीजी, कौन है आप लोग? हम पुलिस से, हमें गोली चलानी आती है। अरे भले आदमी से आप गोली चलाएंगे? अब जो जो यस सर, यस सर। चलो चलो, गाड़ी निकालो, हमें ऑफिस बंद करना है। भले आदमी, तो क्या आप डॉन उस्मान नहीं है? आपसे बात करना ही बेकार है। जो जो गाड़ी निकालो, हमें ऑफिस बंद करके जाना है। मैं तेरे को पहले बोला था कि इतना सूट-बूट वाला आदमी डॉन हो ही नहीं सकता। सर हमें जरा ये एड्रेस बताएंगे, हमें डॉन उस्मान को गिरफ्तार करना है। ये बात है ये। चलो हम आपको बता दें। चलो जो आओ 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 हमारे साथ आओ। चलो 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 इस तरफ आओ। आइए आइए इस तरफ आइए। ये देखो, ये जो नीचे सड़क जा रही है ना, सड़क की उस तरफ देखिए ना। अब आप ढाके देखिए, देखिए देखिए देखिए। अरे अरे जो 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 होता है वो अच्छा ही होता है। या साबुन ये तो बच गए, मुझसे बच के कहाँ जाओगे? चलिए टोपी ले लो। ठीक है चलो। सारा काम ये साबु और चाचा जी करते हैं, मेरी टीम किसी काम की नहीं है। हमने सुन लिया। वहां तो क्या हुआ, सबक लो इससे। चाचा जी, आपने सिर्फ मेरी नहीं पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचाई है। अरे भाई, ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं देश के कुछ काम आया। चाचा जी, शहर का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, वो लॉन्ड्री वाले से लेकर उस्मान डॉन, उसके आदमी सक्सेना जी, सबको अंदर कर दिया मैंने। वारू सिंह भाई, आजकल तो तुम सारे टीवी चैनलों में, अखबारों में, सब जगह छाए हुए हो। ये तो आप ही की मेहरबानी है चाचा जी। लेकिन एक बात बताइए, इस षड्यंत्र का शक कैसे हुआ आपको? बात यह है कि डॉन उस्मान ने सुपारी लेकर लोगों की हत्या करने का एक नया तरीका निकाल लिया था। वो क्या करता था कि लोगों के मोबाइल चोरी करता था, फिर उसमें एक शक्तिशाली बम फिट कर दिया करता था। फिर उसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से किया करता था कि सातवां कॉल करते ही उस मोबाइल में विस्फोट होता था। मुझे जब हत्याओं और चोरी गए मोबाइलों का संबंध पे शक हुआ, तो मैंने क्या किया कि मोबाइल कंपनियों से उन तमाम लोगों के बिल्स मंगवाए जिनकी हत्या हुई थी। मैंने देखा कि हर हत्या का संबंध सातवें कॉल से ताल्लुक रखता है। सक्सेना ने दुबे जी की हत्या की सुपारी डॉन उस्मान को दी थी और उनका मोबाइल भी चोरी करके उसने डॉन उस्मान को दिया था। जब मैंने सक्सेना से सातवां कॉल करने के लिए कहा तो उसने इनकार किया और वो पकड़ा गया। वाह चाचा जी वाह। सर सर जी, आपका मोबाइल। अरे वाह, वो क्या है ना, मेरी बीबी मैके से आ गई है। अच्छा, मेरा मोबाइल ए, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। सर ले लीजिए प्लीज, आप ही का है सर। मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं दूसरा खरीद लूंगा, ये रखो। अरे ले लो बारू सिंह, मैंने कहा था ना कि वो षड्यंत्र का संबंध बड़े लोगों से है। हाँ तो ठीक है, तो इसका
मतलब मैं